तो अगर आप भी चाहते हैं अपने YouTube चैनल से वीडियो को कोई भी वीडियो को डिलीट करना प्राइवेट हो या पब्लिक, तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? कभी कभार क्या होता है, वीडियो अपलोड हो जाता है, अनावश्यक वीडियो अपलोड हो जाता है अपने YouTube चैनल पे, या कोई बच्चा वीडियो अपलोड कर देता है YouTube चैनल पे दूसरा वीडियो, प्राइवेट वीडियो या पर्सनल वीडियो, तो उसको कैसे डिलीट करें बहुत ही आसान तरीके से एक मिनट के अंदर आप लोग को सिखा दूंगा। बस आप लोग को वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। बहुत तरह का मेथड होता है वीडियो अपलोड करना, जैसे कि पब्लिक हो गया, प्राइवेट वीडियो हो गया, आप लोग को लिमिटेड वाला वीडियो, सारी कैसे डिलीट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आप लोग को हम YouTube से डिलीट करके बताएंगे एंड आपको दो चार और मेथड बताएंगे कैसे मतलब कि कैसे जो है डिलीट कर सकते हो। तो पहले हम YouTube में चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर देखिए यू पे नीचे की तरफ देखेंगे तो यू वाला ऑप्शन है, मतलब कि प्रोफाइल है ये हमारा, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का आप लोग को इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो अभी जो अपडेट आया है, न्यू अपडेट इस प्रकार से आया है, ठीक है दोस्तों। और नीचे की तरफ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर योर वीडियो लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप लोग को दो मेथड दिखाने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके, यहाँ से नहीं और जी यहाँ पब्लिक वीडियो आप लोग सिंपली डिलीट कर सकते हो। प्राइवेट वीडियो डिलीट करना है तो दूसरा मेथड होता है, तो दूसरा मेथड हम बताएंगे, आप लोग इसको पहले जान लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा वीडियो जो यहाँ पर अपलोड जो किए वीडियो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये वाला वीडियो को डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट वाला वीडियो पर, तो थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो भाई सेव टू प्लेलिस्ट में सेव करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हो, शेयर करना चाहते हो वीडियो को तो शेयर कर सकते हो, एडिटिंग करना चाहते हो तो एडिटिंग कर सकते हो, और सेव टू डिवाइस में क्लिक करना चाहते हो तो डिवाइस में क्लिक हो मतलब कि सेव हो जाएगा। और नीचे की तरफ लिखा हुआ है डिलीट, जैसे ही मैं डिलीट करूँगा तो यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन देगा, यहाँ पर देखिए डिलीट दिस वीडियो, अगर जो आप लोग डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो और नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। तो मैं भाई नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा जो है कोई ख़राब वीडियो नहीं है, ठीक है, मैंने वीडियो अपलोड किया था। आप लोग करना चाहते हो तो डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से आप लोग डिलीट करने का तरीका बता दिया, ठीक है। ये जो हो गया फर्स्ट तरीका हो गया, और सेकंड तरीके के लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा भाई, कोई ख़राब एप्लीकेशन नहीं बता रहा, वो वीडियो और यूट्यूब के लिए मतलब यूट्यूब के लिए जो है वो एप्लीकेशन यूज होता है, कोई फ्रॉड एंड स्कैम वाला एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पर YT स्टूडियो नाम से एक एप्लीकेशन है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आप लोग पब्लिक हो या प्राइवेट कोई भी वीडियो आसानी तरीके से आप लोग जो है डिलीट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मेरा YT स्टूडियो प्रोफाइल के अंदर आ चुका हो कुछ इस प्रकार सा। तो ये जो है जितना आप लोग को वीडियो देखेगा तो ये जो है पब्लिक वीडियो है, अगर ये प्राइवेट वीडियो उड़ाना है तो वो कैसे उड़ाएंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंटेंट, ठीक है। जैसे ही कंटेंट पर क्लिक करेंगे आप लोग को प्राइवेट वीडियो या मतलब कह सकते हो पब्लिक वीडियो, पब्लिक कहने का मतलब आप लोग पब्लिश कर दिए हो यूट्यूब पे, और प्राइवेट कहने का मतलब अभी प्राइवेट है, पब्लिश नहीं हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है सब आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और जब प्राइवेट होगा अनलिस्टेड तो यहाँ पर अनलिस्टेड को चिन्ह दिखाएगा, और नहीं तो आप लोग पब्लिक होगा तो इस तरह सा पृथ्वी का जो है अर्थ का दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आप लोग थ्री डॉट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इसी टाइप सा इंटरफेस आएगा, और यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, आप लोग क्रोम से भी डिलीट कर सकते हो, बट ये दोनों आसान तरीका था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।